उधर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने दरअसल रातौर दौरे पर रहे, जहां पर लोगों ने रणजीत चौटाला का जोरदार स्वागत किया। वहीं मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और अपने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी बयान दिया। देखिए, मैं राजस्थान में था, चुनाव में 10 दिन लगाए मैंने। राजस्थान तो पक्का 100% आ रही है। बाकी जो मीडिया सब में आ रहा है, मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट के इलेक्शन आगे आ गया रहे हैं, मोदी साहब की लीडरशिप के लिए। अल्टीमेटली तेलंगाना में तो रीजनल पार्टीज का मामला है, बाकी सब जगह बीजेपी का दम दिखना चाहिए। एक छत्तीसगढ़ में देखिए, अभी समय है, उसमें जब कोई चर्चा होगा। अभी तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जब बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई ऑफर आएगी तो बिल्कुल ठीक तरीके, जैसे पहले पावर में लोड बढ़ा दिया किसानों का, बहुत अच्छा निर्णय करा है। इसके बाद दूसरा जो 151 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक फैसला है। तीसरा जो ढाणी डेरों तक, पहले तो 1 किलोमीटर तक लाल डोरे से हम देते थे, अब ये कर दिया 3 किलोमीटर तक भी लोगों को ये कनेक्शन देंगे। ये एक अहम फैसला है, बढ़िया फैसला हुआ है। पेंशन वाला भी कराया, कल वो कैंसर पेशेंट का कराया, मतलब पब्लिक के